हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आज जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ व्हाइट सॉस मैक्रोनी है। मैक्रोनी की जगह आप पास्ता भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास मैक्रोनी अवेलेबल थी तो मैंने मैक्रोनी यूज़ कर लिए है, आप पास्ता भी यूज़ कर सकते हैं। तो लेट्स वीडियो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। मैंने मैक्रोनी डाल दिए उबालने के लिए। अब मैं इसमें पानी डाल लेती हूँ। मैंने मैक्रोनी ली है, आप चाहे तो पास्ता ले सकते हैं, चाहे मैक्रोनी ले सकते हैं, जो बनाना चाहें जिससे आप ले सकते हैं। तो मैं इसको पहले बॉईल करूँगी, इसको मैं इसमें पानी डाल दूँगी। ये मैंने बॉईल करने रख दिया है, इसमें पानी डाल दिया। अब हम इसमें रिफाइंड ऑयल डाल दे रहे हैं। 2 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल डाल दीजिए, जिससे कि ये चिपके ना, और इसे अच्छे से मिक्स कर दीजिए। साथ ही साथ मैं इसमें थोड़ा नमक डाल दे रही हूँ और इसको मिला देंगे। इससे जो होते हैं हमारे मैक्रोनी या पास्ता दोनों चिपकते नहीं हैं और खिले खिले हमारे बनते हैं। तो इसको हम बॉईल होने देते हैं। ये हमारी मैक्रोनी बॉईल हो चुकी थी तो मैंने गैस ऑफ कर दी है। इसको 15 मिनट लगे हैं बॉईल होने में। ये देखिए हमारी कहीं से भी मैक्रोनी चिपकी नहीं है, देखिए कितनी खिली खिली बनी है। देख रहे हैं आप, एक भी दाना किसी के साथ चिपका हुआ नहीं है। तो ये नमक और तेल के कारण होता है। आप अगर डाल दें तो आपकी जो मैक्रोनी है बिल्कुल अच्छे से। अब हम इसको इसमें डालकर ठंडे पानी से एक बार वॉश कर लेंगे। तो उसे मैंने ठंडे पानी से वॉश कर दिया है और मैंने यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा दी है। अब हम इसमें रिफाइंड ऑयल डाल देंगे अपना। मैंने अपने हिसाब से इसमें रिफाइंड ऑयल डाल दिया है। अब मैं इसमें अनियंस डाल दे रही हूँ। लंबे लंबे प्याज काट के रख दिए थे। इसे हमें बस थोड़ा थोड़ा पकाना है। तो सबसे पहले मैं प्याज को हल्का हल्का पका रही हूँ, जिसमें इसका जो कच्चापन ना है। अब हम इसमें गाजर डाल देंगे जो मैंने काट के रखी है। आप जैसे चाहे काट सकते हैं, मैंने लंबी लंबी सारी सब्जियां काटी है। आप छोटी काटना चाहे तो छोटी काट सकते हैं। शिमला मिर्च हम बाद में डालेंगे क्योंकि इसको पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। पूरा नहीं पकाना है आपको। ये देख सकते हैं हमारे प्याज का रंग बदल गया था तो हमने इसमें गाजर डाल दी। अब हम इसमें शिमला मिर्च डाल दे रहे हैं। इन सबको अब हम अच्छे से सॉटे कर लेंगे। ये हमें हल्का हल्का सॉटे ही करना था, ये हो चुकी है। अब हम इसे निकाल लेंगे एक प्लेट में। उसी कढ़ाई में मैंने 3 चम्मच मक्खन डाल दिया है, ये पिघल गया है। 3 चम्मच मैदा मैंने लेके रखा हुआ है, अब वो डाल दूंगी।
में इसे अच्छे से भून लेंगे। मैदे को आप देख सकते हैं हमारे मैदे ने कलर चेंज कर दिया है। अब हम इसमें दूध डाल देंगे। इसको अच्छे से हम मिला लेंगे। तो अब हमें इसकी थिक सॉस बनानी है। देखिएगा आप इसमें ध्यान दीजिएगा कि आपके इसके में लम्स कोई ना पड़े हो। ज़्यादा थिक भी मत कीजिएगा क्योंकि ये पड़े पड़े भी ठंडी हो जा मतलब ठंडे जब होगी तब ये थिक हो जाएगी। देख सकते हैं इसमें कोई लम्स नहीं है और ये जो सॉस हम बनाई है व्हाइट सॉस पास्ता की वो भी थिक होती जा रही है। थोड़ी देर थिक और करेंगे हम इसको। आप देख सकते हैं मेरी सॉस थिक हो गई है। अब मैं इसमें स्वाद अनुसार नमक मिला दूंगी। आपको ये ध्यान रखना है कि आपने पहले भी नमक डाला हुआ है तो उसके हिसाब से आप नमक मिलाएं। उसके बाद अब इसमें मैं काली मिर्च डाल दे रही हूँ। आप चाहें तो लाल मिर्च भी मिला सकते हैं। तो ये अच्छे से हमारी बहुत ज़्यादा थिक हो गई है। अब मैं इसमें अपनी ये जो सब्जियाँ हैं वो डाल दे रही हूँ। स्वीट कॉर्न से तो वो भी डाल दे रही हूँ मैं। साथ ही साथ ये जो मैंने अपनी मैक्रोनी बॉईल करके रखी थी वो भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। ये देख सकते हैं हमारा पास्ता बनकर रेडी हो चुका है। कहीं से नहीं ये चिपक रहा आप देख लीजिए। अब हम इसमें क्या करेंगे ये अपनी मैं अपनी कड़छी हटा देती हूँ। ये मैं इसमें चीज डाल दे रही हूँ। मेरे पास डाइस चीज है वो डाल दे रही हूँ मैं। साथ ही साथ मैं इसमें ऑर्गेनो ऐड कर दे रही हूँ। चिली फ्लेक्स ऐड कर दे रही हूँ। आप ये देख सकते हैं तो कम लग रही है तो मैं और ऐड कर दे रही हूँ। आपको भी अगर कम लगे कुछ तो आप ऐड कर सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि हमारा पास्ता बनकर रेडी हो चुका है व्हाइट सॉस पास्ता। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। प्लीज़ डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक यू फॉर वॉचिंग।